वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,890 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों की बात करें, बीते 24 घंटे की, तो 72 लोगों की कोरोना से मौत हुई है पूरे महाराष्ट्र में। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 1.5 लाख के करीब, आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 1,42,900 मामले सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 6,739 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मुंबई की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1,118 नए केस आए हैं और महाराष्ट्र में 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो 3,890। एनसीपी मुखिया शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ कई शहरों में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किए। विधायक ने शरद पवार को महाराष्ट्र के लिए कोरोना कहा था। शरद पवार हे या महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना है, असं माझं मत आहे। शरद पवार के खिलाफ इस भाषा का इस्तेमाल एनसीपी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। बीजेपी एमएलसी के खिलाफ महाराष्ट्र के वाशिम, अकोला, नासिक में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायक गोपीचंद पडळकर, इन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र का स्वाभिमान आदरणीय पवार साहब के बारे में के निषेध में आज अकोला के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इनका पुतला जलाया है। धनगर समुदाय से आने वाले 39 साल के गोपीचंद पडळकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार को धनगर आरक्षण के लटकने का जिम्मेदार बता रहे थे। शरद पवार हे या महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना है, असं माझं मत आहे। कारण राज्यातल्या बहुजनांच्या वरती अत्याचार करण्याची भूमिका त्यांची कायम राहिलेली आहे आणि ते पुढेही चालू ठेवतील। त्यांच्याकडे ना कुठली विचारधारा आहे, ना कुठला अजेंडा आहे, ना कुठलं व्हिजन आहे। फक्त छोट्या छोट्या समूह घटकांना भडकवायचं, आपल्या बाजूला करायचं आणि त्यांच्यावरतीच अन्याय करायची त्यांची भूमिका आहे। आणि मला वाटत नाही ते धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये पॉझिटिव्ह असतील। पडळकर का आरोप था की पुरानी बीजेपी सरकारने धनगरों के लिए 1,000 करोड रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, पर इस सरकार ने धनगरों को एक पैसा नहीं दिया। पडळकर 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे और बारामती में अजित पवार के खिलाफ लड़कर अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे थे। आज तक ब्यूरो। मुंबई में अभी रोजाना 4,500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर बीएमसी 6,500 करने वाली है। इसके बाद मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को क्वारंटीन की आवश्यकता होगी। बीएमसी की क्या तैयारियां है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। मुंबई में सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है, ज्यादा फोकस स्लम इलाकों में होगा। स्लम में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होता है और उनके हाई रिस्क कॉन्टेक्ट को भी, ताकि उनसे परिवार और आसपास रहने वालों को संक्रमण ना फैले। बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे लोगों को तो कह दिया गया कि आप अपने घर में ही क्वारंटाइन करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो रेशियो है स्लम्स में, यानी कि पहले एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, वो रेशियो बढ़ता ही गया। मुंबई में जैसे जैसे केस बढ़े, पहले होटल और बाद में खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल, वर्ली के एनएसआई डोम जैसे इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। इसके अलावा वुहान की तर्ज पर चंद दिनों में 2000 की क्षमता वाले 2 मेकशिफ्ट अस्पताल भी बीकेसी में बनाए गए। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मरीजों के मिले जुले अनुभव रहे। खाने की क्वालिटी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आई। तो प्रदेशनगर में क्वारंटाइन होने के बाद वहाँ पर मेरी मम्मी, मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, वो उस वक्त वहां पर थे। शुरुआत के कुछ दिनों में 3-4 दिन वहां पर अच्छी तरीके से पानी, बिस्तरी का पानी, 4 टाइम वहां पर खाना, मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को नाश्ता, रात को खाना, ऐसे चल रहा था। पर 4-5 दिन होने के बाद जब पानी खत्म हुआ और वहां के मेरी मम्मी और उन्होंने पानी मांगा उनसे,
उन कर्मचारियों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बिस्तरी का पानी खत्म हो गया, अब वॉश बेसिन का पानी पीना। खाना ठीक नहीं था, कच्चा आता था, चावल रोटी सब कच्चे आती थी, दूध देते थे शाम को बट 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाता था। हर शाम डॉक्टर आते थे, नीचे बैठे हुए रहते थे, कुछ प्रॉब्लम रहता था हम लोग तो नीचे जाकर उनको बताना रहता था। मुंबई में 2 तरह के क्वारंटीन सेंटर यानी कोविड केयर सेंटर है। पहला कोविड केयर सेंटर 1, इसमें कोरोना के हाई रिस्क संदिग्धों को रखा जाता है, यानी वो लोग जो कोरोना मरीजों के बेहद नजदीकी संपर्क में रहे और उनमें कोरोना का संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। मुंबई में CCC1 में 47,999 बेड है, इनमें 17,614 बेड घिरे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी है कोविड केयर सेंटर 2, जिनमें बिना लक्षण वाले या बहुत हल्के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। CCC2 में फिलहाल बेड संख्या 24,736 है, इनमें से 2,999 बेड पर फिलहाल मरीज भर्ती हैं। मुंबई में फिलहाल 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2-3 हफ्ते से मुलुंड, भांडू, अंधेरी, मलाड, बोरीवली, दहिसर और कांदीवली जैसे इलाकों से कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं। जून के आखिर तक एक और बड़ा क्वारंटीन सेंटर मुंबई में तैयार हो जाएगा। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी मौत की वजह फांसी से दम घुटना बताई गई है। पुलिस ने डीजी फॉरेंसिक को खत लिखकर सुशांत के विसरा की केमिकल एनालिसिस जल्द ही करवाने की गुजारिश की है, ताकि केस की जांच को जल्द से आगे बढ़ाया जा सके। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कुल 5 डॉक्टरों ने पूरे एनालिसिस के बाद साइन किया है। सुशांत की सुसाइड को दिशा सालियन की सुसाइड से जोड़ने वाली थ्योरी को भी पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिशा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, जिसे उदय सिंह गौरी चलाते हैं। दिशा सालियन सुशांत से सिर्फ एक बार मिली थी। सुशांत के पिता, 3 बहनें, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, दोस्त और पब्लिसिस्ट रही रोहिणी अय्यर के साथ पुलिस ने सुशांत के सुसाइड के केस में 23 लोगों का बयान दर्ज किया है। जिन 23 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, उनमें से सुशांत के CA संजय श्रीधर, दोस्त और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिथानी, बिजनेस मैनेजर उदय सिंह गौरी, PR मैनेजर राधिका निहलानी, पहली सीरियल के निर्देशक बाद में सुशांत के मैनेजर बन गए कुशाल जवेरी, क्लीनर नीरज सिंह, कुक केशव, चाबी बनाने वाला मोहम्मद शेख, चाबी बनाने वाले का भाई शकील हुसैन। पुलिस के मुताबिक सुशांत की सुसाइड के वक्त बिल्डिंग के CCTV कैमरे काम कर रहे थे। जब सुशांत ने फांसी लगाई, उस समय उनका कुत्ता दूसरे कमरे में था। पुलिस का ये भी कहना है कि अन्य कई लोग हैं जिनके बारे में पुलिस को अभी पता चला है, उन्हें भी अब स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा चुका है। सुशांत का एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी मिल चुकी है पुलिस को, और इससे यही पता चलता है कि 2002 में ये कॉन्ट्रैक्ट सुशांत सिंह राजपूत ने साइन किया था। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।